हाँ तो सर, सब लोग आपकी तरह लेट लतीफ थोड़ी होते हैं शादी के मामले में। कुछ लोगों को घर बसाने का आइडिया पहले आ जाता है। स्टार भारत के सीरियल नवम्र की सीमाओं में देव और विधि आज कर रहे हैं एक दूसरे से अपने दिल की बातें और बता रहे हैं एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे। मुझे शर्म क्यों आएगी? इससे पहले भी मेरे दोस्तों के बच्चों की शादी हुई है और मैं गया हूँ उन शादियों में। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो नहीं आएगी ना शर्म? मैं तो खुश हूँ कि आपने अपने दोस्तों की तरह शादी नहीं की। मैं तो बहुत लकी हूँ। भाई विधि की जिंदगी में तो चंद लम्हे बचे हैं जो वो देवराज के साथ बिताना चाहती है, लेकिन क्या इनकी खुशियों पर लग जाएगा अंबा के नाम का ग्रहण, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिर मेरा क्या होता? तो हुई ना मैं लकी। चलो फिर। जी? कुछ देर के लिए खुद को मिसेस देवव्रत रायचंद के रोल में देखना चाहूंगी। विधि, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो पहलू दिखाना चाहता हूं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। सब लोग आपकी तरह लेट लतीफ थोड़ी होते हैं शादी के मामले में। कुछ लोगों को घर बसाने का आइडिया पहले आ जाता है। वैसे आपको शर्म तो नहीं आएगी ना सर? मुझे शर्म क्यों आएगी? इससे पहले भी मेरे दोस्तों के बच्चों की शादी हुई है और मैं गया हूं उन शादियों में। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो नहीं आएगी ना शर्म? मैं तो खुश हूं कि आपने अपने दोस्तों की तरह शादी नहीं की। मैं तो बहुत लकी हूं। मतलब? आपको मुझसे जो मिलना था सर, अगर आप अपने बाकी दोस्तों की तरह शादी कर लेते तो फिर मेरा क्या होता? ना मैं लकी। चलो फिर। जी? कुछ देर के लिए खुद को मिसेस देवव्रत रायचंद के रोल में देखना चाहूंगी। विधि, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो पहलू दिखाना चाहता हूं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं।